नमस्कार, मैं राधे रमन सिंह यादव। मैंने जून 2019 का नेट क्लियर किया है एजुकेशन सब्जेक्ट से, शिक्षा शास्त्र विषय से मैंने नेट क्लियर किया है। उसमें किसका योगदान ज़्यादा रहा ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद काफ़ी काम किया इसमें। अब मैं अपना परिचय पहले देना चाहता हूँ। मैंने 2019 में नेट क्लियर किया, इसके पहले भी मैंने 2018 में नेट में किया था, मैं उसमें असफल हो गया था। तो मैंने क्या किया, स्टडी मटेरियल्स सर्च करना शुरू किया। तो पहले तो मैंने खूब मोटी मोटी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें ली, बीएड की किताब ले लिया, उससे पढ़ाई करता था। मैं एक रियल एड कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सो वहाँ पे जो एजुकेशन की किताबें मिलती थी उसको भी पढ़ता था। तो मैंने 4 महीने लगातार 4 घंटे तक कंटिन्यूस पढ़ाई किया और स्टडी मटेरियल्स मैंने सर्च करना शुरू किया। तो मुझे ऑनलाइन पर प्ले स्टोर में मिलता है copykitab.com, वहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो मैंने वहाँ से ई बुक्स लिया यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो कि मेरे सब्जेक्ट का था, एजुकेशन सब्जेक्ट का, एक वो ले लिया। 2 पेपर होते हैं नेट में, 2 पेपर एक कंपलसरी होता है, उसको भी मैंने ख़रीद लिया। लगभग 300 का था वो, 100 रुपये में मिल गया था छूट के बाद। तो copykitab.com और ई बुक्स जो यूथ कंपटीशन का था, इन लोगों में कोई टाई अप रहा होगा, इन्होंने अच्छा सा प्रोवाइड कराया। उसके साथ ही मैं अपने स्टडी किताबें लेकर पढ़ता था। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एक ग्रामीण परिवेश में, मेरे पिताजी एक एडवोकेट हैं, श्री रामरूप सावरकर, और मेरे बड़े भाई भी एक हैं, वो भी एडवोकेट हैं। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जो प्राथमिक शिक्षा शुरू की, वो मैंने प्राथमिक विद्यालय लेजार महदेवा गाँव में की। फिर मैं अपना जो हाई स्कूल की पढ़ाई किया, वो मैंने पास ही के समीप के एक ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में रहने वाले इंटर कॉलेज से किया। उसमें मैंने अपनी क्लास और अपने स्कूल में टॉप किया था। फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाया, एनसीसी लिया, और उसके बाद इंटर कॉलेज में भी मैंने अपने ग्रुप में, मतलब कि अपना सेक्शन जो था, उस सेक्शन में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया। मतलब कि लगभग 300 बच्चे थे उसमें फर्स्ट। तो थोड़ा बहुत हौसला मेरा बढ़ता रहा, फिर मैंने DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी की। वहाँ पे मैंने BCom किया, BEd किया, और उसके बाद MCom किया। तो इसी बीच में मुझे पता चला कि आपका MA एजुकेशन से आप अगर करते हैं तो एजुकेशन से नेट आप दे सकते हैं। तो मैंने MA एजुकेशन से भी नेट किया फर्स्ट क्लास 62% के साथ, और उसके बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन की। तो नेट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी मैं बताना चाहूँगा अपने जो मेरे आने वाले मतलब वंशज हैं, या कह सकते हैं आने वाली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो भाई आपको करना क्या है, कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है 4 घंटे, और जितना आपने पढ़ा है अपना ग्रेजुएशन में, जो आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उन सब्जेक्ट की किताबों को एक बार दो बार आप दोहरा लीजिए। साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्मार्ट तैयारी करिए। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का साथ मिला और मैंने अपना नेट क्लियर किया है। तो नेट को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजिक तैयारी करनी होगी, और उसके लिए मैंने जो ऑनलाइन copykitab.com का सहयोग लिया, उसके लिए उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, यूथ कंपटीशन टीम को देना चाहूँगा, और साथ ही साथ अपने गुरुजनों को और अपने परिजनों को, भाइयों बहनों और सबको।